तो फ्रेंड सबसे पहले हेयर्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि ग्रेफाइट में 2B से लेके 10B तक की आती है, वही यूज करेंगे। सबसे पहले 2B से आप हल्की हल्की शेडिंग कर लेना, उसके बाद ब्लेंडिंग करके सीधा डार्क जो भी 10B में आती है वो आप यूज कर सकते हो। गॉगल्स में भी आप मतलब सीधा डार्क ही कर सकते हो, 8B या 10B का यूज कर सकते हो, क्योंकि गॉगल सीधा डार्क ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन कीजिए, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वीडियो मैंने स्पीड अप की है, लेकिन इस वीडियो रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए। शेडिंग के ऊपर भी फोकस कीजिए, क्योंकि शेडिंग करते समय आप सीधा 8B या 10B का मत यूज करना, क्योंकि 8B या 10B सीधा डार्क होती तो आपकी ड्राइंग्स खराब होने की पूरे चांसेस हो जाते हैं। आप हल्के हाथों से ही शेडिंग करना, पहले 2B से, 4B से, 6B से। आप बियर्ड के ऊपर भी फोकस कीजिए, पहले मैंने भी हल्के हाथों से 0.3 के मैकेनिकल पेंसिल से उस आउटलाइन के ऊपर ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने सीधा 10B का यूज किया, जो कि डार्क होती है। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शेडिंग के ऊपर, ब्लेंडिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्रॉइंग्स में। तो आप नेक में भी देखिए, अभी मैंने 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल से पहले एक बार आउटलाइन मतलब एक ही बार शेडिंग की है मैंने, वो भी 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल से, क्योंकि रेफरेंस फोटोग्राफ के हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ता है। जितना आप रेफरेंस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते हो, उतना आपकी ड्राइंग में परफेक्शन आती है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, मैंने एक ही बार शेडिंग की, उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्रश का यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने ब्लैक कलर की जो वाटर कलर की पेंसिल आती है वो यूज़ किए, ये फैबर कैस्टल की है जो कि वाटर कलर में आती है। आप सीधा वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले पेंसिल से शेडिंग कर ली, पूरी शेडिंग मैंने ब्लैक पेंसिल से की है, उसके बाद मैंने ब्रश का यूज़ करके सिर्फ पानी उसके ऊपर घुमाया, जैसे हम वाटर कलर यूज़ करते हैं उसके बाद हम ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं, उसी तरह से मैंने इधर ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ किया है। आप ऑब्जर्वेशन कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अगर जितना आप ऑब्जर्वेशन करेंगे ड्राइंग्स को, रेफरेंस फोटोग्राफ को, उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग प्रॉपर होगा, उतना आपका ड्राइंग में परफेक्शन आएगा, क्योंकि विदाउट ऑब्जर्वेशन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एज अ शॉट आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये ड्राइंग कंप्लीट करते मतलब मुझे मैक्सिमम 2 आवर्स लगे, वीडियो स्पीड अप है, लेकिन मैंने आपको स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन दी। तो आप देख सकते हैं, तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे ड्राइंग्स कंप्लीट। है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट आर्ट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।